समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, निराकार संसार में जहां हर एक चीज के अंदर उपस्थित, यही सच के वो चाहे छोटा सा कतरा हो या कुछ भी हम इमेजिन जो कर सकती है हमारी बुद्धि, वो हर एक में बसा हुआ ये इस रूप इसका जो नजर नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, और फिर भी ये चक्षु जब मिल जाते हैं तो वो ही जो कुछ नहीं नजर आता वो बहुत ही साफ नजर आने लगता है। तो कैसे हमने इस रूप में जब निराकार परमात्मा के दर्शन कर लिए तो फिर और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि हर एक कण में फिर यही बस नजर आता है, और फिर वहाँ ये जो भक्ति भरी यात्रा शुरू होती है वो हर एक की किस तरह एक इंडिविजुअल रूप, अलग रूप, यूनिक रूप ले लेती है। किसी की प्रेमा भक्ति बनकर वो सामने आती है, और किसी के लिए फिर वो एक माया से जुड़ी हुई चीजों की डिमांड्स वहां तक ही रह जाती है। किसी के लिए फिर हर एक में जहां वो निराकार देख रहा है, हर संत का कहीं पे भी मिल जाना, एक अपने आप को रोम रोम से प्रफुल्लित खुश महसूस करना, और किसी ने फिर भी चाहे सत्संग में ही क्यों ना बैठे हो, वो एक बार बार घड़ी देखते रहना कि कब खत्म हो, कब घर को निकलें। तो कैसे ये भी बात कि ब्रह्म ज्ञान तो ये झोली में आया भी, तो उसके बाद हमने इसका क्या किया? अगर इस निराकार पे विश्वास बनाया तो वो विश्वास किस तरह का बनाया? क्या वो एक हर चीज में वाकई ही हमें पता है कि ये विश्वास रखकर कि हमारी भलाई के लिए ही पल पल ये संसार में विद एवरी ब्रेथ दैट वी टेक वो निराकार ने बहुत ही सुंदरता से जीवन रचा है, या फिर एक उस तरह का विश्वास कि जब तक चीजें एक मेरे मुताबिक हैं तब तक अच्छी हैं, वरना उसी पल निराकार को कोसने चले कि ऐसा क्यों हमारी जीवन में घटित हो गया। तो किस तरह का विश्वास है? एक अपने ऊपर भी जब हम बात करते हैं कि एक विश्वास की, तो वो बात कि हम अगर स्कूल के टाइम से ही देखें, एग्जाम्स के पहले कैसे
टीचर्स भी समझाते बच्चे को कि आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अपने ऊपर अब पूरा विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है, चीटिंग नहीं करनी, और ऐसी जो एक मोटिवेट करके कि अगर ज्यादा समय अब नहीं बचा, कुछ अगर चैप्टर एक आधा छूट गया है तो उसको अगर नहीं भी कर पाए तो जितना किया है उसको अच्छे से कर लो कि उसके अंदर का जो भी क्वेश्चन हो वो गलत ना जाए। कैसे एक खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए, और यहाँ सत्संग में तो जैसे माता सविंदर जी महाराज ने भी हमें समझाया कि एक कॉन्फिडेंस से भी इवॉल्व हो गई चीज, जब इस निराकार पे विश्वास आया तो फिर वो गॉडफिडेंस हुआ, फिर एक संसार में पल पल हम वो बहते ही चले गए इस प्यार में, इस विश्वास में। तो जहाँ वो भी बात आती है कि फेथ कैन मूव माउंटेंस, कि कैसे एक पहाड़ जब हम देखते हैं फिजिकली होता तो वो चट्टान बहुत ही ऊंची, बहुत ही मजबूत, और कैसे वो फिर विश्वास की बात की चाहे फिजिकली तो वो पहाड़ चलकर कहीं जाएगा नहीं, पर फिर वही बात की अगर मन में विश्वास है तो पूरी हर चीज हो सकती है, बशर्त कि ये निराकार के आश्रय से लिया गया विश्वास हो। अगर हम इस तरह कोई इल इंटेंशन से, कोई गलत नियत से उस समय विश्वास करके दातार से, कि अक्सर जीवन में ऐसे भी रूप इंसानों के देखे हैं जो खुद अपनी दलील देते हैं कि दातार ये निराकार हमारी हर बात सुनता है, तो अब मैंने चाहा कि एक दूसरा इंसान बर्बाद हो जाए तो ये निरंकार ने, इस पे मेरा पूरा विश्वास है निरंकार उसके साथ अच्छा नहीं करेगा, तो अगर ऐसी इंटेंशंस हम दिल में रख के उसको विश्वास का नाम दे रहे हैं तो ये हम अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं, क्योंकि फिर ये निराकार ने तो वही करना है जो निराकार एक एक इंसान से चाहता है, कि हर एक का भला हो, हर कोई जो गलती कर रहा है कैसे अपनी गलती को सुधार ले, और वही हमारे ऊपर भी ड्यूटी कि हम इस संसार में रहते हैं तो वही एक खुद के लिए भी, जहां अपने दिल दिमाग को साफ रखें, अपनी नियत को साफ रखें, वही किसी के लिए भी ये मांग ना मांगी जाए, विश्वास इस चीज पे ना किया जाए कि किसी की बुराई करने के लिए हम अगर एक एक मजबूती से भी सिमरन करें तो अगले की बुराई और सिमरन ये फिर एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवार, वो तो फिर एक भ्रास नहीं आएगी बात, वो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम कई बार किसी के लिए बुरा जब सोचते हैं तो फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एक थ्योरेटिकली तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर बुरा हमारा होगा, पर वो कई बार बुरा ऐसा होता है जो सामने तो नजर नहीं आता पर एक लाइफ लॉन्ग उसका जो रेपरकशन है, वो चाहे हमारी गिल्ट बन के, वो चाहे फिर हमारे मनोबल एकदम दिल भुज सा जाता है खुद का, और फिर कुछ भी जहां अच्छा नहीं लगता, और ये अनइंटेंशनली भी सबकॉन्शियसली भी हम हर पल फील करते हैं कि उस समय हम अगर अपने गुस्से को, अपने ख्यालों को काबू कर लेते तो ऐसी फीलिंग ये बोझ बनकर हर पल नहीं जी रहे होते, हम पे ये भारीपन नहीं होता। तो कैसे ये जो बात सत्संग में हमेशा सिखाई जाती है कि पल पल अपनी नियत को इतना साफ रखो कि एक सिर्फ निराकार, ये प्योरिटी, ये लाइटनेस, ये कामनेस, इसके अलावा और कोई चीज अपने दिलो दिमाग पर हावी ही ना होने दो कि खुद बाद में इतनी परेशानी हो, जो फिर चाहे वो एक इंसान के दिमाग पे ऐसे मेंटल इलनेसेस की तरह भी रूप ले लेती हैं। तो कैसे हमने अपने अंदर और बाहर हर तरफ इस निराकार के आश्रय और इसके ऊपर एक पॉजिटिवली एक विश्वास रख कर ही आगे बढ़ना है, तभी ये जीवन सफल हो पाएगा। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी।
एक तू ही निरंकार। मैं हूँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अब बढ़ना चीता की प्यार से कहिए धन निरंकार जी।